कम खाना पर खूब चबाना तंदुरुस्ती का यही खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के खाना खाने के नियम और साथ में दिखाएंगे नेचुरल ब्यूटी ऑफ विलेज भंडार, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भोजन के ग्रास को 24-40 बार जदपि जल ना भी पिए बड़े शक्ति अपार। तो भोजन के ग्रास को हमें इतना चबाना चाहिए कि हमारा शरीर उसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट आसानी से निकाल सके। गर्मा गर्म जो दूध पिए अथवा भोजन खाए वृद्ध अवस्था के प्रथम ही 32 झड़ जाए। तो दांत को बचाने के लिए हमें गर्म दूध, गर्म चाय या गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म दूध भोजन करो, राखन चाहो दंत तो शीतल जल पीजिए एक घड़ी के अंत। गर्म दूध चाय या गर्म भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही हमें जल पीना चाहिए। दूध, दही और शाक फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर, हलवा, शहद द्रुत रखे शांत शरीर। तो ये सारे पदार्थ जो हैं शरीर को स्वस्थ तथा शांत रखते हैं। गाजर का पियो सब रस, नींबू अदरक डाल, भूख बढ़े आलस भगे बदहजमी का काल। गाजर का रस, नींबू और अदरक डालकर पीने से भूख बढ़ती है और खाना आसानी से पच जाता है। चाहे तंबाकू, डालडा जो नहीं करे प्रयोग, उस नर को छूते नहीं भांति भांति के रोग। चाहे तंबाकू यानी नशीले पदार्थ और डालडे का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सदा भूख से आधा खाओ, पूरा पानी पियो, दुगनी कसरत हसी चुगनी बरस सभा सो जियो। भूख से हमेशा कम खाना चाहिए, ल्यूकर या तरल पदार्थ ज्यादा पीने चाहिए, कसरत खूब करनी चाहिए और खूब हंसना या खुश रहना चाहिए। दाएं सबर भोजन करो, बाएं पियो नीर, बाएं करबट सोइए रहे निरोग शरीर। दाएं मीन राइट साइड से मुख के हमें भोजन करना चाहिए और लेफ्ट साइड से ल्यूकर पदार्थ पीने चाहिए और रात को लेफ्ट करबट ही ज्यादा सोना चाहिए। एक बार खाए सो जोगी, दो बार खाए सो भोगी, बार बार खाए सो रोगी। भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। सामान्यता इनका समय निश्चित करते हुए दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। 2 प्रधान भोजनों के बीच भूख लगने पर अंकुरित अनाज, फल, फलों का रस, सलाद, छास या नींबू पानी का सेवन किया जा सकता है। भोजन करने के पूर्व हाथ, पैर तथा मुंह धो लेना चाहिए। भोजन एकांत स्थान, शुद्ध वातावरण, मौन रहकर और खूब चबा चबा कर करना चाहिए। क्रोध में भोजन करना हानिप्रद है, अतः ऐसे भोजन को त्याग देना चाहिए। भोजन में खारिया और अम्लिया मीन बेस और एसिड का अनुपात या रेशो 80-20 होनी चाहिए। शीत गृह या कोल्ड स्टोर के महंगे फलों की अपेक्षा मौसम के ताजे तथा स्थानीय या लोकल फलों तथा सब्जियों का ही प्रयोग करना चाहिए। रोटी के लिए मोटा पिसा आटा या चोखर निकले बिना होना चाहिए। मैदे या चीनी से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा सीमित या कम होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ हेल्दी टिप्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।